आत्मा, भूत, चुड़ैल, शैतान, पिशाच, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन पर विश्वास करना एक बहस का मुद्दा है और इनका होना ना होना भी एक अनसुलझी गुत्थी है। जहां कुछ बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि आत्माओं जैसा दुनिया में कुछ नहीं होता, वहीं कुछ लोग ना सिर्फ इनकी मौजूदगी बल्कि इन्हें साक्षात देखने का भी दावा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, पॉडकास्टर में आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो एक ऐसा टॉपिक है जिस पर ना जाने कितने वर्षों से लोग चर्चा करते आ रहे हैं, और वो टॉपिक है भूत और आत्माओं को देखने का। आखिर क्यों ये आत्माएं हमें नजर नहीं आती, आखिर क्यों हम उन्हें छू नहीं पाते। आज पॉडकास्टर पर मैं इन सारे रहस्यों से पर्दा हटाऊंगा, तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में आपको ऐसे लाखों करोड़ों लोग मिल जाएंगे जो आत्मा या भूत के साथ हुए अपने निजी तजुर्बे बता सकते हैं। इनफैक्ट पैरानॉर्मल एनर्जीज पर शोध कर रही संस्थाओं ने माना है कि आत्मा और भूत जैसी चीजें होती हैं। यहां तक कि उन्होंने इन भूत और आत्माओं को फोटो और वीडियोस में कैद भी किया है और कभी कभी महसूस भी किया है। और तो और, इन शक्तियों पर रिसर्च करते वक्त कितने लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। कई लोगों ने अपने आसपास ऐसी चीजों को महसूस किया है। उन्हें लगता है कि उनके आसपास कोई खड़ा है पर वो नजर नहीं आता, लेकिन जरूरी नहीं कि वो चीज उन्हें नुकसान ही पहुंचाए, क्योंकि हर आत्मा भूत नहीं होती। वो महज भटकती हुई आत्माएं होती हैं जो केवल इंसानी दुनिया से अपना संपर्क साधती हैं। लेकिन वहीं कुछ लोगों में इन आत्माओं को समझने की शक्ति भी होती है। वो समझ जाते हैं कि वो आत्मा अच्छी है या दुष्ट। चलिए अब बात करते हैं एक और प्रचलित मुद्दे पर, भूत कैसे बनते हैं। अक्सर हम लोगों में ये जानने की जिज्ञासा होती है कि आखिर भूत बनते कैसे हैं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं। शास्त्रों के हिसाब से मरने के बाद आत्मा शरीर को त्याग विचरण करने निकल जाती है, लेकिन खासकर वो आत्माएं जिनके दिल की कोई तमन्ना अधूरी रह जाती है, उन्हें पूरी तरह से मुक्ति नहीं मिल पाती। ऐसी आत्माएं यमलोक तक नहीं पहुंचती और हमेशा भटकती रहती हैं। हालांकि इनमें से सभी आत्माएं बुरी नहीं होती, लेकिन केवल तब तक जब तक कि वो किसी प्रेत योनि में प्रवेश नहीं करती। लेकिन अगर इन आत्माओं का सही ढंग से पिंडदान कर दिया जाए तो इन्हें मुक्ति मिल जाती है, वरना यही आत्माएं भूत यानी बुरी आत्माओं में बदल जाती हैं और लोगों को नुकसान पहुंचाती हैं। तो चलिए अब हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक के मेन मुद्दे पर, आखिर क्यों हम भूत और आत्माओं को साधारण आंखों से देख नहीं पाते। इस रहस्य का जवाब केवल शास्त्रों में ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी मौजूद है। विज्ञान के हिसाब से इंसान का शरीर 5 तत्वों से बना है, धरती, वायु, जल, अग्नि और आकाश। जब हमारा शरीर जिंदा होता है तो हमारे शरीर के अंदर धरती वाला तत्व मौजूद होता है, इसीलिए हम धरती से जुड़ी चीजों को आसानी से देख लेते हैं। लेकिन मरने के बाद आत्मा में ये धरती वाला तत्व खत्म हो जाता है और आत्मा में केवल सिर्फ और सिर्फ वायु वाला तत्व बच जाता है, और हवा को देख पाना दोस्तों किसी के लिए भी मुमकिन नहीं। यही कारण है कि हमें भूत और आत्माएं नजर नहीं आते, लेकिन हाँ, कभी कभी हम खुले कानों से उनकी आवाज जरूर महसूस कर लेते हैं। अब बात करते हैं एक और जरूरी टॉपिक पर, आखिर क्यों कुछ ही लोगों को भूत और आत्माओं का एहसास होता है। आपने देखा होगा कि भूत और आत्माओं का अनुभव हर किसी को नहीं होता। इसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो कारण है वो है हमारे आसपास की नेगेटिव एनर्जीज यानी नकारात्मक ऊर्जा का होना। आत्मा और भूत दोनों ही एनर्जीज के हिसाब से अट्रैक्ट होती हैं। अगर कोई आत्मा अच्छी भी हो तो भी वो आपके आसपास की नेगेटिव एनर्जीज को देख नेगेटिव आत्मा में बदल जाएगी यानी भूत बन जाएगी। इसीलिए अगर हमारे आसपास बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज हैं तो भूतों का आना निश्चित है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग भी यही सलाह देते हैं कि अपने आसपास बुरी एनर्जीज को पनपने ना दिया जाए, और ये बुरी एनर्जीज हमारे आसपास फैली गंदगी, दिशाओं का गलत इस्तेमाल, घरों में कलेश जैसी चीजें होती हैं जो आत्माओं को आमंत्रित करती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए पॉडकास्टर में बस इतना ही। मैं अगली बार फिर आपसे होऊंगा रूबरू किसी नए टॉपिक या कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और सुनते रहिए पॉडकास्टर।